दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों आईपीएल 2021 के 34वें मैच में रोहित शर्मा की तूफानी वाली मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट पर 155 रन बनाए थे। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुंबई इंडियंस को कोलकाता नाइट राइडर्स के केआर से करारी हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल 2021 के 34वें मैच में यानी कि कल रोहित शर्मा की तूफानी वाली मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.1 ओवरों में 3 विकेट खोकर मुकाबला को अपने नाम कर लिया। मुंबई के लिए डी कॉक ने सबसे अधिक 55 रन बनाए, जबकि लॉकी फर्गसन और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कल सबसे अच्छा अगर बात किया जाए तो वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी के तूफान में उड़े मुंबई इंडियंस के सभी खिलाड़ी बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये था कल के मैच का आंखों देखा हाल। मैं आपको बता दूं कि कल केकेआर ने 7 विकेट से धांसू जीत अपने नाम दर्ज की। तो दोस्तों मुंबई की स्थिति जो है वो एकदम ख़राब है आईपीएल में। समझ सकते हैं कि पिछले मैच में भी चेन्नई सुपर किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद दोबारा से फिर से जो है एक करारी हार केकेआर से भी मिल गई है। तो ये थे कल के मैच के आंखों देखा हाल के बारे में अपडेट। दोस्तों अगला अपडेट हमारा 35वें मैच के साथ में फिर से कल मिलेगा आपको। तो इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको आईपीएल से जुड़ी जानकारियां पसंद हैं तो मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।